जी हाँ, बाहुबली। बाहुबली उत्तर प्रदेश में बहुत हैं और उन बाहुबलियों में सबसे बड़ा नाम राजा भैया का भी है, उनमें एक बड़ा नाम अतीक अहमद का भी है और उनमें एक बड़ा नाम, जी हाँ, विकास दुबे का भी था। विकास दुबे जिसका इनकाउंटर हो गया, गाड़ी पलट गई। अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है और बीजेपी में भी जो मंत्री हैं वो मंत्री केवल जो सफ़ेद पोशाक में आपको सामने दिखते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, देवरिया बरहज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा का एक विवादित बयान आया। विधायक एक समारोह में खुले मंच से कह रहे हैं कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन बृजेश सिंह हमें पैसे देता है। बृजेश सिंह का जिक्र वो कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, तो क्या भाजपा के अंदर भी इस तरीके के माफिया बैठे हुए हैं? और उत्तर प्रदेश में क्या भले ही योगी सरकार आ गई है, भले ही सरकार जो है वो नई है, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर बैठे ये जो माफिया जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में और मुश्किलें होती नजर आएंगी? जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय में इन नेता का बयान जो खुले मंच से इन्होंने दिया वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि कैसे खुले मंच से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रदीप शुक्ला गवाह है उसके, विवेका मिश्रा गवाह है उसके, मनमोहन मिश्रा गवाह है। 51 लाख रुपये मेरी सबसे छोटी बहन, और मैं सच में बताऊँ संजय भाई, वह 51 लाख रुपये की राशि वैसी की वैसी रखी हुई है। 4 लाख रुपए की व्यवस्था में एक साल से लगा होगी, 55 करके उसका वापस कर दी, ये साका है। 4 लाख रुपए की जिस दिन व्यवस्था हुई अपनी बहन को 55 लाख लौटा दूंगा। 51 का 51 देने का कोई मतलब नहीं। और जब जब मैं चाहता हूं कि अब सैलरी में 5 लाख रुपया पूरा हो गया है, तब तक कोई ना कोई पार्टी का कार्यक्रम आ जाता है। अब जैसे 5 लाख रुपया विभिन्न स्रोतों से और 1 महीने की सैलरी देना है, फिर उसका कट गया। अब फिर धीरे धीरे इंतजार करूंगा कि 5 पूरा हो जाए तो 55 करके बहन का लौटा दू। 51 लाख रुपया हमको उत्तरी भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन बृजेश सिंह देता है, उसके भी एक आदमी केडी सिंह के दरवाजे पर। और 51 लाख रुपए मुझे देवरिया का व्यापारी संजय कानोड़िया देता है। प्रेम कुशवाहा अपना खजाना खोल देता है कि घटने ही नहीं दूंगा, अब हमसे क्या लड़ते ये लोग। ऐसे ऐसे करके 10 करोड़ रुपया जनता ने दिया और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन सुकुल पाए थे, न दुर्गा मिश्र पाए थे, न मोहन सिंह पाए थे, न स्वामीनाथ पाए थे, न प्रेम प्रकाश सिंह, राम प्रसाद, दुर्गा मिश्र, कोई नहीं पाया। वोट दिया 87,000 रुपया दिया 10 करोड़। और उन सब पे भारी इस साका जैसे तुच्छ अनाथ के प्रति आपका जो प्रेम है, स्नेह है, जो आपका आशीर्वाद है, उससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकती। आप मुझ पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए। ये रिपोर्ट आपने देखी उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बात करें तो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार कमजोर होती चली जा रही है, तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में दिखता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।